हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, आपकी पसंद की रेसिपी, ग्रेवी से बनने वाली रेसिपी, मशरूम मसाला। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में मशरूम मसाला कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं आपको मशरूम काटने का तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे मशरूम काटना है। ये देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इसका जो टॉप है ना ये काट देते हैं ऐसे हल्का सा। उसके बाद अगर छोटी मशरूम है तो हम ऐसे काटते हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से। आपने ये देखा ना, ये एक का दो नहीं था, ये मैंने बहुत ही दिमाग लगा के काटा था। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, एक का तीन करते हैं ताकि बहुत छोटी ना हो जाए। अगर छोटी है तो हम एक का दो कर लेते हैं, और अगर बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, देखिए ऐसे इतनी बड़ी, तो हम इसको एक का ऐसे चार कर लेते हैं। मतलब काटते एक का दो, एक का तीन, एक का चार है, लेकिन वो लगती एक जैसी है। देखिए ऐसे हम काटते हैं, तो आपने भी इसी तरीके से सब काट लेना। मशरूम काटने के बाद आपने क्या करना है, मशरूम को उबाल लेना है। मैंने ये देखिए पानी चढ़ा रखा है, आपने इस पानी में डालना है आधा टीस्पून हल्दी। हल्दी डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है मशरूम जो हमने काट के रखी थी, देखिए, और इसको थोड़ा सा उबाल लेना है। उबालना जरूरी है मशरूम को, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए उसमें टाइम नहीं होता है इतना पकाने का, तो आप हल्दी डाल के उबाल लें। अब हमारी मशरूम बहुत ही अच्छे से उबल चुकी है, आपने भी ऐसे उबाल लेना है। अब मैं इसको छान लूंगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से उबली है। और मशरूम मैंने कितनी ली थी आपको ये भी बता दे रहा हूँ, 250 ग्राम मशरूम मैंने लिए। एक पोर्शन में 250 ग्राम मशरूम बहुत है, इतनी ही आप लें या फिर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपने देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया कि आपने कैसे मशरूम काटना है और कैसे उबालना है। अब हम मारेंगे तड़का। तड़का मारने के लिए आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर, और इनको आपने अच्छे से ऐसे चलाना है और थोड़ा सा लाल कर लेना। जब आपके गार्लिक में ऐसा कलर आ जाएगा तब आपने इसमें डालना है ग्रीन चिल्ली, और इनको थोड़ा सा ऐसे चलाना है, देखिए। उसके बाद आपने इसमें डालना है मशरूम। सबसे पहले मशरूम डालें। मशरूम डालने के बाद आपने इसको अच्छे से टॉस करना है ताकि इसमें जो पानी होता है ना वो पानी जल जाए, तो आप ऐसे अच्छे से टॉस कर लें। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है सभी मसाले, नमक, 1 टीस्पून देगी मिर्च, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको ऐसे हल्का सा टॉस करना है मसालों के साथ, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपने गैस बंद कर देना है और आपने इसमें डालना है चॉप मसाला। सबसे पहले चॉप मसाला डालें, इसको कढ़ाई ग्रेवी भी बोलते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में भी मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। अब चॉप मसाला डालने के बाद आपने इसको अच्छे से, ये देखिए, चॉप मसाले के साथ में ऐसे भूनना है, तभी इसका नाम है मशरूम मसाला। ये देखिए बहुत ही अच्छे से भूने, वेरी नाइस। कलर देखा ना आपने, अभी से इतना प्यारा कलर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है थोड़ी सी टमाटर ग्रेवी और एलो ग्रेवी, फिर आपने ऐसे चलाया, देखिए वेरी नाइस। देखिए अब आपने इसमें कुछ नहीं डालना है, थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाएं जैसे कि मैं पका रहा हूं। कलर देख लिया, पक गया, मस्त कलर हो गया। अब आपने इसमें डालना है पानी। पानी डाल के गैस को थोड़ा सा फास्ट करें और इसको मिक्स करें, और फटाफट आपने गैस फास्ट करके इसको पका लेना है। देखा ना आपने कैसे हम फटाफट खाना बनाते हैं रेस्टोरेंट में, तो ये है रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला।
तो आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आपको ये मेरी स्टाइल अच्छी लगती है रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाने की, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। और जैसा कि आपको पता है हमारी गैस बहुत ही फास्ट होती है, तो खाना भी फटाफट पक जाता है, टाइम नहीं लगता, और ग्रेवी ऑलरेडी तैयार होती है। जब ऐसे पक जाएगा, ऐसे पानी सूख जाएगा, तब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून देसी घी, 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून धनिया के पत्ते और 1 टीस्पून जूलियन जिंजर। ये देखिए, इन चीजों से टेस्ट आता है, मजा आता है। और 1 पिंच कसूरी मेथी पाउडर इस टाइम पे आपने डालना है और गैस करना है आपने एकदम फास्ट चालू। ये देखिए, और ऐसे आपने टॉस किया इसको, सिर्फ बटर गलने का इंतजार किया, उसके बाद ये हो जाएगा तुरंत तैयार, एकदम मजेदार कलर आएगा। देखा आपने क्या कलर है। और आप चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ कम या ज्यादा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये मजेदार है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें बहुत ज्यादा तेल भी नहीं निकलेगा। यही मेरी स्टाइल है खाना बनाने की, मैं खाना बनाता हूँ तेल भी डालता हूँ, बटर घी, लेकिन खाना तेल छोड़ता नहीं है। तो आप भी अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका खाना भी ऐसे ही शानदार बन के निकलेगा। ये देखिए, वाओ, कलर, खुशबू, थिकनेस, तीनों कमाल की हैं। और खाने में इन्हीं तीनों की जरूरत होती है, मतलब ये तीनों अगर हिसाब से होंगे, कमाल के होंगे, तो खाना भी जबरदस्त होगा। अब इस पे गार्निश करेंगे ये, वाह, और जूलियन जिंजर। ये देखिए, अब आप और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे बटर डाल सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ ना करें। बहुत ही जबरदस्त मजेदार शानदार रेसिपी है, आपको नजर ही आ रही है, बस आपने मुझे बताना है कि कैसी लगी।